हरियाणा में 5 बार किसान संधि मोदी के सहारे, राव इंद्रजीत बोले, मैं तो पीएम के नाम पर चुनाव लड़ रहा, बागियों से फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। हरियाणा के अहिरवाल वेस्ट में मजबूत पकड़ रखने वाले 5 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह इस बार खुद के बलबूते नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में है। इसका जिक्र उन्होंने खुद रेवाड़ी में प्रेस वार्ता के दौरान किया। साथ ही बागियों को संदेश भी दिया है कि उनके कार्यक्रमों में आने न आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल गुरुग्राम से लेकर नांगल चौधरी तक रामपुरा हाउस की पकड़ दर्शकों से रही है। रामपुरा हाउस की राजनीति विरासत संभाल रहे राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में रहे या फिर बीजेपी में, उन्होंने अपने बलबूते समर्थकों को टिकट की गारंटी और जीत भी दिलाने का काम किया। बीजेपी ने राव इंद्रजीत को तीसरी बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से टिकट दिया है। कार्यक्रम से नेताओं की दूरी पर जवाब दिया, राव इंद्रजीत ने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। गुरुग्राम और नूह के बाद रविवार को वह रेवाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे। यहां पार्टी में ही उनके विरोधी पूर्व विधायक रणधीर सिंह कपड़ीवास, पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव और पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव सरीके नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। राव ने विरोधियों के न आने पर कहा, वे आए न आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूं, जबकि पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तीसरी बार गुरुग्राम से चुनावी मैदान में, बता दें कि करीब 36 साल कांग्रेस में रहने के बाद वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा ज्वाइन की थी। बीजेपी ने उसी वक्त उन्हें गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ाया और वह जीत भी गए। 2019 में फिर से राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम से चुनाव लड़ा और इस बार भी वह जीत दर्ज। लगातार दूसरी बार केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने। 2019 के बाद परिस्थितियां बदलती चली गईं। राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी ने तीसरी बार भले ही टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन यहां राव इंद्रजीत के सामने कई चुनौतियां हैं। यही कारण है कि एकजुटता दिखाने के लिए राव इंद्रजीत साफ कह रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिण हरियाणा की 15 सीटों पर प्रभाव गुरुग्राम से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ गुरुग्राम से लेकर भिवानी जिले तक है। करीब 15 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी में आने के बाद राव ने अपने चहेतों को टिकट दिलाया है। इतना ही नहीं, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर 2 बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को भी उन्हीं की सिफारिश पर टिकट मिली। इस बार धर्मवीर सिंह की टिकट पर संयस को लेकर काफी समय से चर्चाएं थी, लेकिन माना जा रहा है कि तीसरी बार भी धर्मवीर को टिकट दिलाने में राव इंद्रजीत सिंह ने ही पैरवी की है। 5 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, रामपुरा हाउस के वारिश केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, 3 बार रेवाड़ी की जाटू साना सीट से विधायक रहने के साथ 5 बार के सांसद हैं। 2 बार वे महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने। इसके बाद 2009 में कांग्रेस की टिकट पर गुरुग्राम सीट से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। हालांकि 2014 के बाद से वे गुरुग्राम सीट पर बीजेपी के सांसद हैं। वर्तमान में राव समर्थित नेता डॉक्टर बनवारी लाल बावल सीट से विधायक के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। वहीं नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव और अटेली से विधायक सीताराम भी उनके समर्थित हैं। इसके अलावा रामपुरा हाउस की पैतृक सीट पोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को भी राव की पसंद के कारण ही टिकट मिली थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।